इनका स्वागत हो रहा है सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का मैच भाई साहब इस मैच की भी सबको कब से इंतजार थी क्योंकि एज और सेथ की दुश्मनी कितनी पुरानी है सब जानते हैं 2014 से लेकर अभी एज का है लेकिन सेथ रॉलिंस उनका इंतजार करते रहे कहते हैं सेथ रॉलिंस को लाइट एज यानी एज के छोटे वजन क्या ये का छोटा वजन एज को हरा पाएगा क्या रॉलिंस की तरह एज को सेथ रॉलिंस धूल चढ़ा पाएगा देखते हैं समझ स्लैम का ये सेथ रॉलिंस की एंट्री हो चुकी है फटाफट काटना होगा नहीं तो हमारे को ब्रेक लेना पड़ जाएगा और सेथ रॉलिंस तैयार है एंट्री फटाफट हमने काट दिए और ये मैच स्टार्ट और ये बाइक सेथ रॉलिंस ने डाउन कर दिया आते थे और ये ड्रॉप किक वाओ भाई साहब ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है दोनों के बीच में लेकिन सेथ रॉलिंस ने अपने जलवा आते थे दिखा दिया है वाओ और एज को बाहर जाना पड़ गया सेथ रॉलिंस के आगे एज भाई साहब एज ने फाइट बैक कराओ भाई सेथ रॉलिंस को अब एज की लगा दिखाएंगे लेकिन सेथ रॉलिंस ने फाइट बैक करी और एज को फिर से डाउन कर दिया है और ये एज ने फिर फाइट बैक करा और इस बार लगता है और ये फ्लैश करा फ्लैश लगा दिया एज ने और डोमिनेट करते हुए एज सेथ रॉलिंस को अच्छे तरीके से लेकिन सेथ रॉलिंस खड़े हो चुके और नी लगा दिया रनिंग नी लगा दिया और ये एज रिकवर कर नहीं जा सकते लेकिन उससे पहले ही सेथ ने अपना राउ चल लिया दोनों ही और ये सुप्लेक्स लगा सेथ रॉलिंस ने और ये बचे दोबारा एज सेथ के डाउन से और ये फिर से फ्लैश एज अभी तक मैच में दोनों ही बराबरी पे चल रहे हैं ये फिर से काउंट कितना बड़ा काउंटर सेथ रॉलिंस का और ये फल यानी क्या बोलते हैं काउंटर और ये रनिंग स्प्लैश 1 2 3 4 5 एज मुझे लगता है जुट पाएंगे सेथ रॉलिंस के सामने एक का काउंट हो चुका है लेकिन एक पे जुट चुके हैं और ये सेथ रॉलिंस को पता नहीं क्या जुट क्यों ऐसे वही ले रहे थे लेकिन एज ने उनको रिंग के बाहर फेंक दिया है सेथ रॉलिंस ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एकदम से खड़े हो जाएंगे और लेकिन सेथ रॉलिंस को पट्टी देने के लिए एज तैयार थे सेथ रॉलिंस ने एज उठा लिया और ये सुपर किक मार दिया सेथ रॉलिंस ने और ये रनिंग नी कैंडल स्टिक निकाल लिया है सेथ रॉलिंस ने एज को खड़ा करा है और ये एज ने दिया सेथ रॉलिंस को के खड़े होने का गिफ्ट लेकिन सेथ रॉलिंस ने कहा उसको लेने से मना और उल्टा उनको रिटर्न गिफ्ट दे दिया है ओ सेथ रॉलिंस टेबल क्लियर कर रहे हैं टेबल टूटने वाली है टेबल टूटने वाली है दोनों टेबल बेचारे कमेंटेटर उठ रहे हैं 7 तक काउंट हो चुका है उधर और ये एज भाई मुझे लगता नहीं है चलिए मैं जीतेंगे जुटे वाला नदी में जाते इस बार से तो क्या निकालेंगे अपने पिटारे में से और ये चेयर शॉट भी पढ़ने चल रहे हैं 2 3 4 और ये भाई टेबल पे मारे ज्यादा करते हैं टेबल तोड़ देते हैं 5 चेयर शॉट 5वां चेयर शॉट और ये 5 6 और रेफरी को पड़ चुका है रेफरी को पड़ चुका है भाई साहब और ये सेथ रॉलिंस ने ऑफिस लगाया ये रनिंग नी क्या बात है सेथ रॉलिंस बड़ा आसानी से 7 8 9 10 11 11 चेयर शॉट में उड़ चुके हैं एज और 2 काउंट में उड़ चुके हैं सेथ रॉलिंस ये एज नीचे भागे पता नहीं क्यों एज को जाना है ओके रेफरी को पड़ चुका है भाई साहब मुझे लगता है सेट कुछ और करने के विचार में और आठ आठ ये कौन सा है और भाई साहब सेट रॉलिंस ने एज की नी में फंसा के चेयर से क्या शॉट लगाया है 14 15 16 16 नहीं कहूँगा मैं और ये एज अपनी फॉर्म में आते हुए वापस से पास फेंक गया है एज ने फिर से सेट रॉलिंस को क्या यार और ये बच गए सेट रॉलिंस और अपनी फिर से अपना वही फाइटिंग एरो जो भी कहते हैं लगाया उन्होंने उठा रहे हैं अब उठ आज तो एज को अपनी नानी बुआ सब याद दिला देंगे उनकी फिर से सुपर किक और आज सेथ रॉलिंस एज को वो दिखाएंगे जो एज देखना चाह रहे थे रोमन क्या तो अब ये मैच हो चुका है पता नहीं 4 सेथ रॉलिंस इस मैच को जल्दी खत्म करना चाह रहे और एज खड़े हो चुके हैं
Oh, you still step with him, right, isn't he? You still step, Nicole, isn't he? Step, man. Sulla fatra. Still step to Valor, Lavatar. Fight up, Seth Rollins, Edge Group. Main show, Nicole, man. Oh, yeah. Low one. What a girl, sir. Upcoming Leo, Seth Capitalis, and Nick Kendo Stick. Oh, yeah, Nick Counter, yeah. दूसरे काउंट में उठ गए अच्छी तरह नहीं गाड़ आ वो काम जब सेट नहीं कर पाए थे ये कैंडल स्टिक से बाहर दो तीन ये तीन पे छीन लिया उल्टा ही तुम्हारा सेट रॉलिंस को एज ने फिर से काउंटर कर लिया है और फिर सेट रॉलिंस ने काउंटर करा अपना लग सेट बो सेट अब क्या निकाल रहे हो क्या मैं तो छोड़ने का विचार भी है कि नहीं एक और कैंडल स्टिक निकाल लिया और ये पाउंड तोड़े मारेंगे आज एज के पता नहीं वहाँ से रहने में थी आवाज़ कहाँ से आ रही है फिर अब तो दो चेयर और एक बार चेयर निकली है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 का शॉट पड़ने जा रहा था लेकिन एज को पता नहीं कौन सी गर्मी एकदम से कौन से बाबा का आशीर्वाद मिल गया फिर से कैंडल स्टिक और हेलो कैंडल स्टिक पे मारे मार दिया एज ने सेट को लेकिन अभी सेट अभी फुल फॉर्म में है अभी हारने की मूड नहीं है सेट ओ ये इस बार फिर से अपनी टाव लगाते हुए ये लो फिर से नहीं लगा चुके हैं सेट ओ ये गोल बार सेट सेट कहाँ जा रहे हैं एज को उठाकर सेट जा रहे हैं रिंग बाहर बाहर जा रहे हैं सेट आप क्या है सेट का विचार कहाँ जाना चाहते हैं नीचे उतर चुके हैं सेट अरे सेट हमको तो बता दो तुम कहाँ जाना चाहते हो सेट किसी को बताना नहीं चाहते चलो सेट किसी को बताने के मूड में नहीं आए और भाई साहब इनकी इनकी लड़ाई यहाँ पे भी जारी है और ये सेट ने फिर से लगा दिया अपना दाव भाई साहब ये टाइम कीपर एरिया में भी लड़ रहे हैं फिर से उठा दिया सेट ने इसका मतलब फिर से यहाँ से जाएंगे सेट एज उठ चुके हैं एज रिकवर कर चुके हैं सेट रॉलिंस की बदौलत और ये स्लो मोशन में लड़ते हुए और ये सुप्लेक्स फिर से सेट रॉलिंस का और सेट जा चुके हैं अंदर भाई ये तो अंदर जा अंदर चलेंगे भाई भाई ये मैच अब वहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए ये मैच कल रुक क्या होने वाला है और एक और एक और भाई सेट ने तो पूरा पैस मैच कर दिया इसको फोर फाइव और ये एक छुड़ा लिया अपने आपको लेकिन सेट फाइव नहीं 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 इतनी आसानी से सेट हारने वाला वैसे नहीं है लेकिन ये क्या और ये फाइट बैक का फिर से सेट ने और आ चुके हैं सेट अपने फेवरेट पहले फेवरेट जो होते थे उनके कमरे में यहाँ से कुछ क्या लेंगे और यहाँ से उन्होंने उठाया ब्रीफ केस सेट ऑलिंग कहते हो ठाने अपना ब्रीफ केस तो इसलिए मैं तेरे मित्र नहीं फिर तो तेरे बाबा टेक के सेवन हूँ पक